देख रहे होंगे अभी आशुतोष कुमार आ रहे हैं राष्ट्रीय जनजन के पार्टी। क्या कुछ हुआ थाना में आशुतोष जी? डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई परमिशन नहीं था, जबकि सारा प्रोटोकॉल हम लोगों ने पूरा किया है। 48 घंटे पहले एप्लीकेशन देने का प्रावधान है, हम लोगों ने 72 घंटे पहले भेजा। हमको पता था कि कोई ना कोई नुक्स ये लोग निकालेंगे। एडीएम साहब का कॉल भी आया था बड़ा बाबू के थ्रू, कंट्रोल रूम में एडीएम साहब बैठते हैं, बड़ा बाबू के थ्रू कॉल आया था कि 11 बजे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे और आपका परमिशन रेडी है, वहाँ जाकर ले लीजिएगा और आपका जो रिसीविंग है वहाँ पर दिखा दीजिएगा। रुक जाइए, चढ़ा दीजिएगा क्या? एक मिनट भैया, आगे थोड़ा। तो आप परमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन 11 बजे से पहले वहाँ शांतिपूर्वक लोग खड़े थे, पहले ही भगाना चालू कर दिया है लोग। तो अब ये लोग की मंशा क्या है? हमने तो इनको कहा कि आप आगे देखिए, बोले नहीं हम तो न्याय संगत करेंगे। हम लोग कोई बात नहीं, तो हमको डार्क में रखा गया। इन लोगों को भी ईओयू के तहत अथी किया जाएगा? अब तो आगे की कार्रवाई लोग क्या करेंगे, तो ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। डीएसपी साहब कुछ साफ बोल नहीं पा रहे। कितने लोग पकड़े गए? यहाँ पर 6 लोग हैं। अभी हम लोग कंट्रोल रूम जा रहे हैं, एडीएम साहब से बात करेंगे। चूंकि आपने ही कहा था कि 11 बजे सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर आएंगे परमिशन लेकर, तो क्यों नहीं आए और उनको क्यों नहीं मिला? माने ऊपर से सर आएगा तबे माने लोग बढ़ाएंगे। डीएसपी साहब कुछ भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है, ये ऊपर से आदेश का इंतजार करें। सर ऐसा क्या डर हो गया सरकार को कि प्रिंट मीडिया? यहाँ एक कार्रवाई ऊपर से आदेश के बाद ही हो रही है। किनके आदेश? ऊपर में जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, नेताओं के पास पावर है। जो मंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास आएगा। लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप न्यूज से ज्यादा राजनीतिक में आना था, इस कारण उन पर ज्यादा कार्रवाई कर किया जा रहा है। तो राजनीति में आना कोई गंदी बात है क्या? नहीं। बाकी राजनेता इस्तीफा क्यों नहीं देते? जो अगर गंदी बात है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, तेजस्वी जी दे दें, चिराग जी दे दें, सब लोग इस्तीफा दे दें कि नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति में यदि मनीष कश्यप लोग जैसे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अनपढ़ आएगा जिसको 4 लाइन बोलने नहीं आता है? कौन बनेगा मंत्री जिसको शपथ पत्र नहीं पढ़ने आता है, वो लोग बनेगा मंत्री? मनीष कश्यप जैसे लोग यदि ग्राउंड से हकीकत दिखा रहे हैं, बिहार की समस्या से अवगत हैं, तो वो राजनीति में आएंगे तो समस्या का निवारण करेंगे। जिसको बिहार की समस्या ही नहीं पता, वो क्या निवारण करेगा? जो हेलीकॉप्टर से जाता हो, हेलीकॉप्टर से आ जाता हो कार्यक्रम करके, उसको क्या पता कि बिहार की समस्या क्या है? उसको क्या पता कि कहाँ के लोग बाढ़ से परेशान है, कहाँ के लोग सुखाड़ से परेशान है, कहाँ अपराध चरम पर है, कहाँ बेरोजगारी चरम पर है, कहाँ क्राइम हो रहा है, ये क्या पता है? बिहार के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर कोई विधानसभा में आवाज काहे नहीं उठाते? चूंकि अभी तो समस्या ही है कि 32 सालों से तो बिहार में उलट पलट के वही लोग आ रहे हैं, आवाज कैसे उठाएंगे? अभी जो सत्ता में लोग हैं, 15 साल पहले इनकी सरकार थी, 17 साल से हैं, तो ये कैसे उठाएंगे? इनकी मजबूरी है। और अभी जो विपक्ष में है, तो 15 साल वो भी उनकी भागीदारी रही है सरकार में, तो वो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी भी गलती है। जब वो 15 साल तक उनके मंत्री थे, वो मलाई खा रहे थे सत्ता का, तो उन्होंने क्या किया बिहार में रोजगार सृजन के लिए? इसलिए कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि ये लोग बेरोजगारी पर आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के लायक भी लोग नहीं। आपके समर्थक बोल रहे थे कि मनीष कश्यप को भूमियार होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये हमारे समर्थक नहीं बोल रहे थे, ये विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष जी, हम जो पूरे बिहार से वीडियो मंगवा लिए, किसी एक भी वीडियो में नेता प्रतिपक्ष जी दिखाई नहीं दिए। कहीं एक वीडियो में तो दिखाई देते, तो केवल वोट बैंक की राजनीति। भूमिहार वोट हमारे पास आ जाए, हम बैठे बैठे सदन में बैठे बैठे ऐसी कमरे में बोल दें, और सड़क पर संघर्ष करने के लिए आम जनता है, तो जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, वो तय करेगी कि हमारा नेता कौन होगा। तो भाजपा तो पैसे ले रही थी भूमिहार वोट के लिए? भाजपा तो मजे ले रही है, भाजपा तो मजे ले रही है। और अगर मजे नहीं ले रही थी, वास्तव में अगर संघर्ष कर रही होती, वास्तव में भाजपा के अंदर मनीष कश्यप को लेकर प्रेम होता, तो आज भाजपा के 2-4 कार्यकर्ता तो सड़क पर दिखाई देते, 2-4 झंडा तो दिखाई देता, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। सर तो क्या उम्मीद लगता है सर इस बार कब तक मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? जब तक बाहर आ जाए, ये तो सरकार के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, लेकिन जब तक नहीं आएंगे तब तक संघर्ष चलता रहेगा। रहेंगे अभी कोतवाली थाना के पास हूँ, और आशुतोष कुमार अभी निकल कर आए, अपने नेताओं से मिलकर आए और साथ ही यहाँ के अधिकारी से मिलकर आए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। आज प्रोटेस्ट था मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप के समर्थन में आज प्रोटेस्ट था, उसी को लेकर अभी कवरेज मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।